नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जहां अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार देने का दावा कर रहे हैं, वहीं सिंध प्रांत में होली के दिन हुई एक घटना ने उनके नया पाकिस्तान के दावे की पोल खोल दी है। होली के दिन एक हिंदू परिवार की दो नाबालिग बेटियों को अगवा कर न सिर्फ उनकी जबरन शादी करा दी गई बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यह घटना सिंध प्रांत के घोटकी जिले में हुई है जहां अल्पसंख्यक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी और विरोध प्रदर्शन को देखने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इमरान खान ने भारत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, नया पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जैसा भारत में हो रहा है उसके विपरीत हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को समान नागरिक माना जाएगा। इमरान के इस ट्वीट पर भारत की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज किया गया था। उधर सिंध की घटना पर हिंदू समुदाय ने अब इमरान को अल्पसंख्यकों को दिए भरोसे की याद दिलाई है। स्थानीय पाकिस्तान हिंदू सेवा वेलफेयर ट्रस्ट का आरोप है कि प्रदर्शन को देखने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। दोनों लड़कियों के पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने रो रो कर अपना हाल सुनाया। इस घटना से संबंधित एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह बुरी तरह रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत इंतजार किया और अब नहीं करूँगा, मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और मुझे गोली मार दो।